नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पर। मैं आर द्रविड़ आज आपको बताऊंगा पम्पकिन फैमिली के बारे में। पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज पम्पकिन फैमिली के खास मेंबर में जिसको खीरा बोलते हैं, क्यूकम्बर बोलते हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। और ये भी एक खास तरीके का खीरा है जिसको पिकलिंग क्यूकम्बर बोलते हैं, पिकलिंग खीरा बोलते हैं। इसका जो पौधा होता है वो मुश्किल से 2 फीट हाइट का जाता है, ज़्यादा इसका बहुत फैलता नहीं है, छोटा ही रहेगा पौधा और उसमें बहुत सारे फूल आने लगेंगे, फ्लावरिंग होने लगती है और एक बड पर 6-7 फूल तक के आते हैं। ये दूसरे खीरे से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका जो खीरे का साइज है वो 4 इंच तक का जाता है, बहुत बढ़ेगा नहीं। खासकर ये इंडिया में चलन में नहीं है, फॉरेन में इसका अचार बनाया जाता है, इसीलिए इसे पिकलिंग क्यूकम्बर वाले, पिकल मतलब अचार। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ एक पौधे लगे हुए हैं जिनके बारे में दिखा रहा हूँ। ये उसका जो मैं दिखाना भूल गया, ये उसका सीड है, मैंने इसको इसलिए रैप कर रखा है कि मैं किसी कंपनी का ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप पिकलिंग के नाम से देख लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा। और देखते हैं इसका पौधा, आइए आपको पौधा दिखाते हैं। देखिए ये पौधा बहुत ही छोटा है और इतना छोटे पौधे में हर बट पे कुछ कलियाँ आई हुई हैं, 3-4 कलियाँ तो है ही हैं सब पर, और कुछ में तो अभी छोटा है ये, लेकिन इसमें भी आ गई हैं। इसमें देखिए कि ये फ्लावरिंग आ गई है, इसमें आप देखेंगे तो ये 1-2 फ्लावर आ चुके हैं और तीसरा ये देखिए ये फ्लावर खिलने वाला है। बस होता क्या है, शुरू में इसमें मेल फ्लावर्स आते हैं जिसमें फल नहीं बनता है, कुछ दिन बाद इसमें फीमेल फ्लावर आ जाएंगे, फिर इसमें फल बनेगा। ये देखिए ये गिरने लायक हो गया है फूल इसका। और ये पिकलिंग क्यूकम्बर की खासियत यह रहती है कि इसमें फ्लावर ड्रॉप नहीं होता है, ये थोड़ा सा हार्डी प्लांट टाइप का है, लेकिन जो आपका जो देसी खीरा रहता है या जो हाइब्रिड खीरा रहता है उसमें छोटा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। ये देखिए इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लावर इस पर आए हुए हैं और ये बहुत छोटा सा पौधा है, मुश्किल से इसकी 2 फीट के आसपास हाइट है। और ये इसमें एक खरबूजा लगा हुआ था जो बहुत बढ़ गया है, उसको उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। ये खीरा लगा हुआ है और ये करेला बीच में आ गया। तो ये खीरा है, इसकी जब पीएच की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पम्पकिन फैमिली आप लेते हैं उसके लिए पीएच और टीडीएस सब कुछ सेम रहता है, 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5, इतना आपको पीएच रखना है। ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है और इसका जो टीडीएस रहता है वो 1200 से 1700 के बीच में रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो आपको मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको 25 रहे, 25 से कम हो जाए 20 तक रहे, 20 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इतना रहता है, इस रेंज में रहता है, तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छा चलेगा। बाद में मैं बताऊंगा कि इसके बाद जो अगला वीडियो में लाऊंगा कि क्यों प्लांट्स मरने लगते हैं हाई टेम्परेचर पर, उसमें ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है और भी कई चीज़ें हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो आप पिकलिंग ये क्यूकम्बर कीजिए, ये बहुत कम जगह में हो जाता है, आपके पास बहुत कम जगह है, कुछ ही स्क्वायर फीट है, आप खिड़की के पास लगा सकते हैं, अपने दरवाजे के पास लगा सकते हैं। और ये थोड़ा सा लाइट लविंग प्लांट है, इसको 6 घंटे लाइट चाहिए होती है, अभी यहाँ पर थोड़ा शाम हो चुकी है तो लाइट नहीं है, इसको 6 घंटे लाइट मिलेगी तो इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग आएगी, बहुत अच्छा फ्लावरिंग देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइव सब कुछ देखना है कि कैसे क्या किया जाता है तो मेरा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, आप उसमें आएंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर, आप एक्चुअल वर्कआउट जो है वर्कशॉप में जैसे आप करते हैं वैसा आपको फील आएगा, वैसा आप कर पाएंगे खुद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आप अगली अपडेट के साथ जिसमें ऑक्सीजन की कमी से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कैसे प्लांट सर्वाइवल स्टेज पर पहुँचता है, रूट्स उसकी ब्राउन होने लगती हैं और फिर वो मर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आबाद रहिए, भारत फार्मिंग एक कदम समृद्धि की ओर।